नमस्कार दोस्तों, अर्ली वर्ड पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक ब्रेकिंग आ रही थी जो अभी बताएंगे आपको। वीडियो को देखिएगा ध्यान से और ज़रा इसका मीनिंग निकालिएगा, और साथ ही साथ अब अगले जून महीने में क्या कुछ होने वाला है आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा। जो हमारा जो एनालिसिस होता है, हम आपको जो बताते हैं आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और सबसे बड़ी खुशखबरी अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा, रात्रि ब्रेकिंग मॉरेटोरियम पर, और एनपीए वालों को भी यदि मॉरेटोरियम मिल जाए, यदि जिसका लोन एनपीए हो गया है और जिन्होंने 2020 में मॉरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग अप्लाई किया और उसको नहीं मिला 2020 में रीस्ट्रक्चरिंग या मॉरेटोरियम, तो यदि उनको भी यदि मिलना स्टार्ट हो जाए और आरबीआई यदि ये चीज़ कर देती है, जिसका लोन 31 अगस्त के बाद से एनपीए हो गया और उनको भी यदि मिल जाए, तो कितनी अच्छी बात होगी। ज़रा समझ रहे हो बात को, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ और कितनी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप लोगों की राहत के लिए। तो ये बात ज़रा समझिएगा, वीडियो को पूरा देख लेना। यदि पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आप कन्फ्यूज रहेंगे और मेरी बात भी नहीं समझ पाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ ये जो मिसाइल है, जो अभी हम बता रहे हैं एनपीए वाली मिसाइल, ये मिसाइल किसने दागी है, किसके ऊपर दागी है, अभी आपको बताएंगे। और दिल खुश होने की 100% एकदम शांति से नींद आने की पूरी गारंटी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। जो भी आप सभी लोगों में से फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आप लोग यहां से सब्सक्राइब कर लीजिए अर्लीवुड को, और यहां से सब्सक्राइब करके सीधा जंप कर जाइए, यहां बेल आइकन आएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कुछ भी पूछना कमेंट कर लीजिएगा। मेंबरशिप यहां से ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने का आपको ढेर सारे बेनिफिट है। ज्वाइन करने के बाद आप व्हाट्सअप कर लीजिए, व्हाट्सअप पर आपको कॉल वगैरह ऐसे भी कॉल आ जाएगी, व्हाट्सअप पर रिप्लाई भी आ जाएगा, और साथ ही साथ आप अर्निंग करना भी सीख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ दिया हुआ है, आपको प्रीमियम सर्विस मिलेगा यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। जरा दोस्तों, आखिर थंबनेल में देखते हैं, थंबनेल तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको बताते हैं आखिर यदि एनपीए वालों को मॉरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग मिल जाता है और आरबीआई इस चीज़ की परमिशन दे देती है, तो कितनी बड़ी बात होगी। और टाइटल में भी यही सब चीज़ लिखा है, लोन मोरेटोरियम, मोरेटोरियम एक्सटेंशन, और मालूम है सुप्रीम कोर्ट में भी केस वगैरह गई है, खैर उस पर बात नहीं करेंगे। साथ ही साथ किस तरह से आप लोन की ईएमआई भर सकते हैं, किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में बात करेंगे, जिक्र करेंगे। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जरा दिखाते हैं आपको न्यूज़ क्या है और खबर क्या है, क्योंकि न्यूज़ और खबर जब तक जानेंगे नहीं तब तक आपको जानकारी ही नहीं मिलेगी जो आखिर चल क्या रहा है और कहाँ से राहत मिलने वाली। देखिएगा, ये मिंट का रिपोर्ट है दोस्तों, मिंट का रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट है मिंट का, ये देख लीजिए मिंट का अपडेट है, और मिंट के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, जो इट यहाँ पर देखिए क्या कुछ रिक्वेस्ट किया गया है, आरबीआई से रिक्वेस्ट किया गया है, जो रीस्ट्रक्चरिंग देखिएगा, रीस्ट्रक्चरिंग रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.00, ठीक है। अब इसमें रिक्वेस्ट क्या क्या, देखिए उन सभी लोगों को रीस्ट्रक्चरिंग या रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 का बेनिफिट मिलना चाहिए। ध्यान से सुनो, एक बात सुन लेना, मैं रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 जहां भी बात आती है, या रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 जहां भी बात आती है, उसका मतलब आप समझ लेना, जो इसमें दो पार्ट आ गया, रीस्ट्रक्चरिंग आ गया 2.0 और इसमें मॉरेटोरियम भी आ गया, समझ के बात को, ये चीज़ समझ लीजिएगा। जहाँ रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 की बात आती है, वहाँ पर क्या क्या बात आएगी, रीस्ट्रक्चरिंग 1.0 और मॉरेटोरियम 2.3, ये इसको भी, इसमें भी मॉरेटोरियम है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये जो डिमांड किया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आरबीआई से डिमांड किया है, रिक्वेस्ट किया है, क्या रिक्वेस्ट किया है ध्यान से सुनिएगा। ये रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 का मतलब अभी आपको समझ आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपका लोन 31 अगस्त 2020 तक तो आपका मॉरेटोरियम में था, यानी अब 1 सितंबर 2020 के बाद से लेके अभी तक यदि आपका लोन डिफ़ॉल्ट है, ध्यान से सुनिए, आप डिफ़ॉल्ट हुआ है और आप अभी तक ईएमआई पे नहीं किए हैं, 1 सितंबर 2020 से लेके अभी तक, टिल द टाइम, आज के डेट में कितने हैं, 23 मई 2021 तक,
तो इसको भी इस ये चीज़ मिलनी चाहिए, इसको भी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत बेनिफिट मिलनी चाहिए, ये रिक्वेस्ट किया गया है आरबीआई से। अब इस बात की 100% हम गारंटी देते हैं, 100% गारंटी हमारी गारंटी है, क्योंकि हमारे पास हम अपना अनुमान आपको बताते हैं, अपना एनालिसिस बताते हैं, और हमारा जो एनालिसिस होता है वो 100% एक्यूरेट होता है, 100% की बात करते हैं। कौन क्या कहता है मुझे कोई मतलब नहीं। हम अब हमारा आप हमारा चैनल देखते हो, आपको वो सारी जानकारी मिलती है जो हम अभी तक आपको बताते आए हैं, आप लोगों का भरोसा है और आप लोग भरोसा करते हो और हम लोग आपको बताते हैं, वही चीज़ होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो भरोसा तो दोनों तरफ से बनी हुई है, और भरोसा आपका टूटने वाला, हमारा ना टूटने वाला ना आपका भी टूटने वाला है। तो ये समझिए इस चीज़ का मतलब अभी हमने समझा दिया आपको। यदि आरबीआई से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जिन्होंने 2020 में रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के तहत जो आरबीआई ने पॉलिसी लाया था, कब लाया था यार, ये 6 अगस्त 2020 को ही लाया था, जहाँ तक मुझे याद है, ये पक्का 6 अगस्त 2020 को लाया था। इस पॉलिसी के तहत आरबीआई ने बोला था जो 2 साल का रिस्ट्रक्चरिंग ले लीजिए, 2 साल का मॉनिटोरियम भी ले लीजिए। लेकिन अब आरबीआई ने इसका डेडलाइन क्या रखी थी, इसका डेडलाइन रखा था 31 दिसंबर 2020। अब इस पीरियड में तो बहुत से लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया, जिन्होंने अप्लाई किया उसको ना तो मॉरेटोरियम मिला ना रिस्ट्रक्चरिंग मिला। जो लोग छूट गए हैं, जिन्होंने अभी तक ना तो उसको रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 का बेनिफिट मिला, ना उसको 1.0 के तहत मॉरेटोरियम मिला, ना 1.0 के तहत उसको रिस्ट्रक्चरिंग मिला, तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी हम बताएंगे, इनका कहना ये है जो जिन्होंने इसका बेनिफिट नहीं लिया है उसको भी अप्लाई करने का मौका दीजिए, और उसको भी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 का दीजिए। अब 2.0 दीजिए का इसका मतलब होगा उसको भी 2 ईयर्स का मॉरिटोरियम दीजिए और उसको भी 2 ईयर्स का रीस्ट्रक्चरिंग दीजिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। और आरबीआई ये यकीन मान के चलिए, 100% यकीन मान के चलिए, जो इस पॉइंट को ज़रूर कंसिडर करेगा। कहोगे सर क्यों करेगा इस पॉइंट को कंसिडर, देखो दोस्तों पैसा जो आपके पास है, हम सभी लोगों ने जो लोन लिया है वो पैसा बैंक का है, वो पैसा क्या है, बैंकों का एसेट है, और एसेट है तो कल के डेट में हमने बताया था मछली पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, उसको जाल बिछा फंसाते हैं, फिर उसको जो एक लोग पुराने देखे होंगे उसमें वो कुछ फंसा के डालेगा पानी में और फिर उसको निकाल लेगा जब उसको वजन लगेगा मछली आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, बैंकों को अपना पैसा निकालने के लिए वो ग्राहक को क्या करेगा, वो या तो मॉरिटोरियम देगा या तो रीस्ट्रक्चरिंग देगा, समझे, क्योंकि नहीं देता है तो बैंकों का पैसा तो डूब ही जाएगा। जब पैसा डूबेगा तो फिर न बैंक बचेगी न दिक्कत वाली बात होगी फिर। तो आरबीआई को चाहे अनचाहे चारों तरफ से बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं और साथ ही साथ ये इनका कहना ये है, जिसका लोन, इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए जो कह रहा है, इसका मतलब ये समझिए, जो जिनका लोन 1 सितंबर 2020 से लेके, फिर से समझ लो, आज 23 मई 2021 तक डिफ़ॉल्ट भी हो गया है और इस कस्टमर ने रीस्ट्रक्चरिंग 1.0 के तहत अप्लाई किया और उसको न तो मॉरिटोरियम मिला न रीस्ट्रक्चरिंग मिला, तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है इसको भी आप दे दीजिए 2 ईयर्स तक मॉरिटोरियम, 2 ईयर्स तक रीस्ट्रक्चरिंग, किस पॉलिसी के तहत दीजिए, तो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत दीजिए। और कहने का मतलब क्या हुआ, जिसका लोन 1 सितंबर 2020 से लेकर अभी तक NPA हुआ है उसको भी आप रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 के तहत मॉरिटोरियम दीजिए या रीस्ट्रक्चरिंग रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत उसको 2 ईयर्स का मॉरिटोरियम दीजिए, 2 ईयर्स का रीस्ट्रक्चरिंग दीजिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी डिमांड है, जो कि बहुत तगड़ी वाली पावरफुल वाली मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त वाली और हकीकत वाली बात है, जायज बात है, समझ बात को। अब ये चीज़ समझ लीजिए, इस वाले लाइन को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर जरा मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, क्योंकि न्यूज़ जो है अपने आप एक बहुत बड़ी बात कह देता है। इट ऑल्सो अर्ज द सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ लोन रीस्ट्रक्चरिंग अंडर रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 टू दोज, ये बात है, टू दोज हु हैड अप्लाइड फॉर इट्स अंडर रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 बट वेयर अनेबल टू अवेल इट।
यही तो असली न्यूज है। कहने का मतलब जो अभी हम कहानी बताए आपको, ये पूरा का पूरा कहानी इसी में छुपा हुआ है। और ये कहानी नहीं दोस्त, ये हकीकत है। ज़रा सोच के देखिए, जो आपने यदि 1 मार्च 2020 से लेके 31 अगस्त 2020 तक मोरेटोरियम 1.0 लिया और मोरेटोरियम 2.0 लिया, अब इसके बाद हम अभी तक आपका बिजनेस काम धंधा चौपट है और आपके लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो आपका लोन क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट का जो एनपीए पर इंट्रीम ऑर्डर था वो भी हट गया। अब हट गया तो पूरा का पूरा अकाउंट बैंकों ने क्या कर दी, 1 सितंबर 2020 से लेके उन्होंने एनपीए करना स्टार्ट कर दिया। अब जब एनपीए करना स्टार्ट हुआ तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन का यही कहना है जो नहीं जी देखिए ये गलत हो रहा है, गलत बात है। आप जो है जिनको जिन्होंने रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के तहत बेनिफिट नहीं मिला है उसको भी आप फ्रेमवर्क 2.0 के तहत उसको इंक्लूड कीजिए। इसका मतलब साफ साफ है जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के जो 31 दिसंबर 2000, ध्यान से सुनो, ऐसा कोई दुनिया में नहीं बता सकता, जिसका डेडलाइन था 31 दिसंबर 2020, उसको आप एक्सटेंड करके 31 सितंबर कितने का था, कितने सितंबर तक था, शायद 30/9/2030 यानी 30 सितंबर 2021 तक कीजिए। इसका इनडायरेक्टली मतलब यही हुआ जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 का डेडलाइन बढ़ाकर यहाँ कीजिए ताकि जो उसका छूटा हुआ है उसको इसके तहत बेनिफिट मिल सके। समझ के बात को, यही अपने आप में एक दोस्त बहुत बड़ी बात है जो इसने कहा। अभी हम दिखाएंगे, वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे। जरा हम एक बार और आ जाते हैं इस पर, आरबीआई का जो ऑफिशियल फ्रेमवर्क है, जरा हम इस पर आते हैं, देखिएगा ये क्या कह रहा है। 6 अगस्त से 30 सितंबर तक, यानी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 को आप 30 सितंबर 2021 तक कर दीजिए। कहने का मतलब है जो छोटा बड़ा है उसको भी इसके तहत शामिल कर लीजिए, उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा। यही वो लाइन है, यही वो पैराग्राफ है जो आपको खुश कर देगा। और साथ ही साथ ये देखिए, ये किसका अपडेट है, देख लीजिए, ये लाइव मिंट का अपडेट है और हम बिना प्रूफ का कोई बात नहीं करते। और इसका नाम है FHRAI, ठीक है, होटल FHRAI अर्ज RBI टू एक्सटेंड लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम टू हॉस्पिटलिटी प्लेयर्स। मतलब क्या हो गया, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जो है जो काम कर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी सेक्टर का जो एम्प्लॉई हो या फिर उसका काम करने वाला कंपनीज है, कई सारे होटल्स हैं, रेस्टोरों हैं और भी बहुत सारे इसमें आ जाता है, तो उन सभी लोगों को इनका बेनिफिट मिलना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, जब RBI कोई भी चीज़ जारी करेगी तो सब के लिए इक्वली वो अलाउ करेगी। ऐसा नहीं है जो हॉस्पिटलिटी वाले को देगा और बाकी लोगों को नहीं देगा। ये अपने आप में अभी तक का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन देखा गया है, दिख रहा है इस लाइव मिंट की रिपोर्ट के हवाले से। यदि हम आपको बताएं, ये 22 मई का इनका अपडेट है जो अभी आप जान रहे हो, देख रहे हो आप, तो ये जरा खुद सोच के देखिए। यदि आपको आपका लोन 2020 से लेकर अभी तक डिफॉल्ट हो गया, एनपीए हो गया और आपको भी यदि रीस्ट्रक्चरिंग मिले हो तो कितनी अच्छी बात होगी। और हकीकत में ये डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहा है, और मुझे जहां तक लगता है RBI इस डिमांड को जरूर कंसिडर करेगी। क्योंकि अब जो हम एक और रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये हिंदुस्तान, ये तो मिंट का दिखाया आपको हमने, और ये रिपोर्ट जो लोग नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो वो देख लीजिए। अब देखिए जो ये लाइव हिंदुस्तान का है, उसी का सहयोगी हिंदी पेपर है हिंदुस्तान, ये क्या कह रहा है। RBI रिजर्व बैंक जो है फिलहाल सभी पहलू पर विचार विमर्श कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने की शुरुआत में नए सिरे से राहत का ऐलान किया जा सकता है। ये किसका है, ये देखिए दोस्तों, ये हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान हिंदी का, और इसका अब ये कब का अपडेट है, ये अपडेट देखिए, ये भी अपडेट है 21 मई 2021 का है। अब जरा सोच के देखो, हम आपके लिए कितना जबरदस्त वाली एनालिसिस लाकर आते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं मिलता ही नहीं है, कहीं शायद मिलेगा भी नहीं, और इतना डिटेल के साथ कौन समझाएगा आपको रीस्ट्रक्चरिंग 1.0 का मतलब। जो जिसको नहीं मिला उसको भी यदि इसमें शामिल कर लिया जाए, रीस्ट्रक्चरिंग या मोरेटोरियम 2.0, मोरेटोरियम 3.0 और रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 मिल जाए तो कितनी राहत वाली बात होगी। कहने का मतलब है जिसका लोन एनपीए हो गया है यार, उसको भी देने के लिए इसमें बोला जा रहा है। अब इससे और सोने पे सुहागा वाली बात क्या हो सकती है। और इसी के साथ वीडियो को करेंगे फिनिश दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप आज के डेट, आज यानी देखो दोस्तों 23
आज 23 कितना तारीख है यार, आज 23 मई है। हाँ 23 मई है, आज लास्ट डेट है। आज यदि आप अकाउंट ओपन, जिन्होंने ओपन कर लिया कर लिया, जिन्होंने जो नहीं किया यदि करना चाहते हैं तो आप ओपन कर लीजिए, और आपको यहाँ ढेर सारी चीज़ सीखने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ अर्निंग करने का भी मौका मिलेगा, और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। सीखने यहाँ सीखना पड़ेगा, ये मत सोचना जो हमने आज कर लिया और आप कल से पैसा कमाना स्टार्ट कर लेंगे, इतना ऐसा कोई भी काम में नहीं होता, और आपको बिना सीखे हुए कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो सीरियस यदि हैं, यदि कुछ करना चाहते हैं, काम वगैरह करना चाहते हैं, तो यहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अर्निंग वाली लिंक दी हुई है, ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद हम लोग आपको जो भी पॉसिबल है वो हम लोग सिखाएंगे आपको, और साथ ही साथ आप सीखने के बाद अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और लोन वगैरह भर सकते हैं। यहाँ से आपकी लोन ईएमआई की पेमेंट का सोल्यूशन हो जाएगा और आपको लाइफ में कभी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हो जो आपको ये वाली चीज़ जो हमने अभी बताया आपको, ये 100% आपके लिए राहत देगी, और क्योंकि जितने भी जिन लोगों का लोन एनपीए हो गया है, यदि उसको शामिल कर लिया जाता है तो 100% राहत वाली बात होगी। इसी के साथ वीडियो फिनिश होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत, वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये वाली बात जो अभी हमने बताया आपको बहुत राहत और सुकून देगा आपको। और यकीन मान के चलिए अगले महीने में आरबीआई की मॉनेटरी पुल, एक बार और बता देते हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग कब है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिएगा, जो यहाँ पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, जून 2 से लेकर 4 जून तक चलेगा, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग फिनिश होने के बाद 4/6/2021 को आरबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी गवर्नर साहब की, फिर जो है उसमें कोई रिलीफ मेजर का अनाउंस किया जाएगा। इसी के साथ वीडियो करते हैं फिनिश। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।